इसी दौरान उन्हें उस्ताद फैयाज खान, उस्ताद अलाउद्दीन खान और उस्ताद अब्दुल करीम खान जैसे शास्त्रीय संगीत के स्तंभों की सोबत मिली। कुछ दिनों में एस टी बर्मन ने बांग्ला फिल्मों में भी अपने पैर जमाए। फिल्म नंदिनी में उन्होंने मशहूर कवि संगीतकार काजी नजरुल इस्लाम के निर्देशन में गाया। गाना था चोक गलो कनो दाकी सिरे चो गलो पाखी तोरो चोखे कहारो चोक पोड़े ते नाकी रे चो गलो पाखी रे चो गलो चोक गलो चोक गलो कनो जैसे राधा ने माला जपी शाम की जैसे राधा ने माला जपी शाम की मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की जैसे राधा ने माला जपी शाम की मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की तेरे नाम की हफिया तेरे ही नाम की राधा ने माला जपी शाम की मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की ১৯৩৮ में उनकी जीवन संगिनी बनी उनकी शागिर्द मीरा दास गुप्ता। सचिन दा की जिंदगी के हर पहलू में मीरा की अहम भूमिका रही। कभी अपने पति के बांग्ला गीतों के गीतकार के रूप में तो कभी संगीत सहायक के रूप में। ১৯৩৯ में इस सुर संगम से जन्मे पंचम यानी राहुल देव बर्मन। जो आगे चल के खुद भी बहुत बड़े संगीतकार बने। इसी दौरान सचिन दा ने बंगाल से अपना दायरा बढ़ाया और हिंदी गीतों की दुनिया में कदम रखा। कई भजनों और गीतों को अपनी आवाज देकर उन्होंने अमर कर दिया। धीरत जाना बगियन मेरे भौरा धीरत जाना बगियन में। हिंदी फिल्म इतिहास की कई यादगार फिल्मों से एस टी वर्मन का नाम जुड़ा है। एस टी वर्मन जब तक जिंदा रहे उनका संगीत जवान रहा और आखिरी सांस तक वो फिल्मों को अपने बहुरंगी प्रतिभा से सजाते रहे। 1954 टैक्सी ड्राइवर और 1973 में अभिमान के लिए उन्हें अवार्ड्स मिले। आराधना में गायक के तौर पर नेशनल अवार्ड मिला।
1969 में संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। 31 अक्टूबर 1975 को बर्मनदा इस दुनिया को छोड़कर उस पार निकल गए, लेकिन पीछे छोड़ गए झोली भर के अमर गीत जो आज भी हमारे जहन में जिंदा है। कोई गला रे बंधु कोई रोइला रे, कोई गला रे बंधु कोई रोइला रे, आमारे छाड़ी अरे बंधु कोई गला रे बंधु, रंगीला 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 रे रंगीला। Yeah.